वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक सर्वे और अभी तक वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल्सो आई हैव मेड वन वीडियो वेयर आई हैव गिवन अ ब्रीफ समरी अबाउट द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग द इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर वाइज फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव. आई होप दैट यू आर फाइंडिंग दीज लेक्चर्स वेरी यूजफुल और इन लेक्चर्स के बाद आपका कोई भी टॉपिक from the economic survey नहीं बचेगा, that I can assure you. You have to just understand the basic concepts and that's why these videos are quite lengthy. Because at the end, you have to go in the exam and answer these questions. It's not only for me to teach. It's more important that you have to answer those questions and that's why I'm trying to explain you even the basics concept which is not required as of now. Right? So, आज हम लोग अपने third chapter That is fiscal policy के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. What is fiscal policy? ये हमने first lecture में देखा था. But just to give you a quick recap, कि during the pandemic, when there was economic slowdown. राइट या पैंडेमिक के अलावा मान लो कोई भी और अगर क्राइसिस आता है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस एनी क्राइसिस बी इट पैंडेमिक बी इट अ वॉर और बी इट एनी अदर क्राइसिस देयर इज अ इकोनॉमिक स्लोडाउन. आपकी इकोनॉमी स्लो कर जाती है. अब इस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए देयर आर टू थिंग्स व्हिच द गवर्नमेंट कैन डू. वन द गवर्नमेंट adjust its fiscal policy and the RBI adjusts its monetary policy. Right? तो government अपने fiscal policies को change करती है और RBI अपने monetary policy को change करती है. So इन दोनों policy के मदद से आपकी economy stabilize हो सकती है. अगर slowdown है तो इकोनॉमी ग्रो हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट एंड आरबीआई कलेक्टिवली इंटरवीन्स इन द मार्केट एंड एंश्योर दैट द इकोनॉमी स्टेबिलाइजेस. इस चैप्टर में हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे कि इस पूरे पैंडेमिक के समय गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल पॉलिसी को किस तरीके से एडजस्ट किया और क्या होता है बेसिकली ये फिस्कल पॉलिसी. और अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आरबीआई has adjusted its monetary policy to influence the economy, right? तो monetary policy में basically हम लोग repo rate की बात करते हैं. ठीक है, so ये अगले class में बात करेंगे repo rate के बारे में, किस तरीके से RBI repo rate को decrease की थी so that लोगों के लिए पैसा लेना easy हो जाए and hence the economy revives. आज हम लोग अपने lecture में पढ़ेंगे what is fiscal policy और फिस्कल पॉलिसी को किस तरीके से गवर्नमेंट ने एडजस्ट किया इस पूरे पैंडेमिक के समय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी. व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, क्या होता है फिस्कल पॉलिसी. आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है It spends money right the government spends money. ठीक है, आपको पता है हर दुनिया में सारी सरकार जो है वो पैसा खर्च करती है. अब ये जो पैसा है या तो वो टैक्स कलेक्ट करके लेगी, ठीक है, या तो वो लोन लेगी, ठीक है, या तो जो टैक्स पेयर्स का मनी है या कंपनीज पीएसयूज को बेच के वहां से जो पैसा आ रहा है उस तरीके से गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट लोन लेती है और इसके थ्रू गवर्नमेंट अपना पैसा को बजट के समय जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपने बजट में बताते हैं कि किस तरीके से द गवर्नमेंट इज इंटेंडिंग टू एक्सपेंड इट्स मनी थ्रू आउट द ईयर. नाउ दिस स्पेंडिंग ऑफ मनी बेसिकली डिसाइड्स What is the government's fiscal policy?
So there are two types of fiscal policy in general. One, expansionary fiscal policy. And second, contractionary fiscal policy. So expansionary fiscal policy का मतलब जब government ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार है, when the government wishes to spend more money than what it was spending. For example, अगर last year government 100 रुपए खर्च कर रही थी, तो इस साल government 150 रुपए खर्च करेगी. That means government is expanding the supply of money in the economy. So this is known as expansionary fiscal policy. And the opposite of it is the contractionary policy, fiscal policy, when the government intends to spend lower money than what it was spending the past year. So if it was spending 100 rupees, this year it will be spending 80 rupees. So these are broadly two types of fiscal policy, expansionary fiscal policy and the contractionary fiscal policy. So this classification is depending upon whether government wishes to spend more money or whether government wishes to spend less money. More money expansionary, less money contractionary. So ye pehla classification hai of fiscal policy, right? So fiscal policy is a policy by which government decides how much it intends to spend the money in that particular year. If it decides to spend more money than what it was spending, it is known as expansionary fiscal policy. If it is spending less money than what it was spending, that fiscal policy is known as contractionary fiscal policy. So this is the first set of classification, right? So this is the first classification. That is expansionary or contractionary. Now the second classification is also known as counter-cyclical fiscal policy or pro-cyclical fiscal policy, right? So counter-cyclical fiscal policy or pro-cyclical fiscal policy, ये भी एक तरीके का classification है fiscal policy का. इसको समझते हैं एक-एक करके. Counter-cyclical क्या है और pro-cyclical क्या है. First of all, let us understand counter-cyclical fiscal policy. Counter-cyclical. Counter-cyclical का मतलब पहले क्या होगा? Counter-cyclical. मतलब जो cycle चल रहा है, उसके counter चलना है हमें. ठीक है? मतलब whatever the cycle is, how we have to move in a counter manner. So let us take two scenarios. If the economy is slowing down, this is the first case, A. B, if the economy is growing at a good pace, okay? In the first case, the economy is स्लोइंग डाउन, मतलब आपकी इकोनॉमी स्लो कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. और दूसरा क्या है, जब आपकी इकोनॉमी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है. सो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या करेगा, अगर ये चीज है तो इसके काउंटर में फिस्कल पॉलिसी रखेगा. फॉर एग्जांपल, इफ माय इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, देन इसका काउंटर क्या होगा, ज्यादा पैसे खर्च करो. दैट मीन्स इफ माई इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, then I will spend more money. That means we will follow expansionary fiscal policy. And if my economy is growing at a good pace, जब economy grow कर ही रही है अच्छे से, तो फिर सरकार को पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है, right? देखो economy जब slow कर रही है, इसको आके देखेंगे हम लोग, but अभी समझो, if my economy is slowing down, मतलब कुछ issue है economy के साथ, है ना, प्राइवेट पीपल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिमांड नहीं कर रहे, दैट मींस देयर इज अ बिग इशू. तो ऐसे इशू में प्राइवेट पीपल तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, हम लोग डिमांड करेंगे नहीं. तो उस केस में गवर्नमेंट टेक्स द लीड कि ठीक है, सी आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट नाउ, सो दैट अदर पीपल, अदर इन्वेस्टर्स, प्राइवेट पीपल गेट सपोर्ट कि हाँ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग. दैट मींस गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट इकॉनमी विल रिवाइव. जब इकॉनमी आपकी स्लो डाउन में हो चुकी है, अंधेरा छाया हुआ है आपकी इकॉनमी में,
कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, लोगों का डिमांड खत्म हो चुका है, उस समय सरकार अपने भूमिका को निभाती है, गवर्नमेंट टेक्स द फ्रंट गियर, गवर्नमेंट पुशेस द गियर एंड इट ट्राइज टू स्पेंड मोर मनी इनटू द इकोनॉमी सो दैट द प्राइवेट पीपल ऑल्सो थिंक्स दैट यस गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, लेट अस ऑल्सो इन्वेस्ट. तो गवर्नमेंट उस समय पैसे लेके रोड बनाएगी, अब आप रोड नहीं बनाओगे तो गवर्नमेंट रोड बनाएगी, गवर्नमेंट पोर्ट्स बनाएगी, गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगी, ठीक है. सो व्हेन द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन अंडर द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी, दैट इज इसके विपरीत इकोनॉमी स्लो कर रहा है तो गवर्नमेंट ज्यादा पैसे खर्च करेगी. एंड इफ माई इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ गुड पेस देन इन दैट केस द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू स्पेंड दैट मच मनी, ठीक है. सो इस केस में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है. तो जब इस ये होता है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. सो जब भी गवर्नमेंट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी को एडजस्ट करती है. जब इकॉनमी स्लो करेगा तो एक्सपैंड करेगी, इकॉनमी ग्रो करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. So, ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, जनरली ऑल द गवर्नमेंट्स फॉलो दिस. आप खुद लॉजिक समझो कि जब इकॉनमी स्लो कर रही है तो गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, और जब इकॉनमी ग्रो कर ही रही है तो गवर्नमेंट क्यों खर्च करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट पीपल आर इन्वेस्टिंग, हम लोग डिमांड कर ही रहे हैं. बिकॉज फिस्कल पॉलिसी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सरकार जनरली लोन लेके खर्च करती है ना. हम लोग देखेंगे फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का जो है कितना खर्च कर रहा है, तो खर्च करने के लिए क्या करेगा, एक तो पैसा वो टैक्स वैक्स के थ्रू लेता है और दूसरा पैसा वो लोन लेता है, और जनरली जो ज्यादा पैसा है वो लोन के थ्रू गवर्नमेंट के पास आता है, बहुत पैसा. तो अगर गवर्नमेंट के ऊपर आप रोक नहीं लगाओगे तो गवर्नमेंट कितना भी लोन ले लेगी, उस लोन को कभी ना कभी तो चुकाना भी पड़ेगा. दैट्स वाई फिस्कल पॉलिसी शुड बी केप्ट अंडर अ लिमिट, इट शुड नॉट एक्सपैंड टू मच, ठीक है. तो इसीलिए व्हेन इकॉनमी स्लोइंग डाउन देन तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा. लेकिन जब ऑलरेडी इकॉनमी ठीक ठाक चल रही है, देयर इज नो नीड टू स्पेंड, तो उस केस में गवर्नमेंट विल फॉलो अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. सो दिस इज द बेस्ट वे टू हैव अ फिस्कल पॉलिसी. और अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें या ग्लोबली पूरी दुनिया में, अगर पैंडेमिक के समय हम लोग देखें तो पैंडेमिक के समय क्या हो रहा था, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ. दिस वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक. इसीलिए हर एक गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा को स्पेंड, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट ने नए रोड्स बनाए, गवर्नमेंट ने फ्री में लोगों को खाना दिया, गवर्नमेंट ने नए हाईवेज बनाए, रेलवे के ट्रैक लगाए, ठीक है. तो उस पूरे पैंडेमिक के समय व्हेन माय इकॉनमी वाज स्लोइंग डाउन द गवर्नमेंट टुक द लीड एंड गवर्नमेंट स्टार्टेड टू स्पेंड मोर. And because of that, the private people also started to invest. Private people also started to invest. ठीक है. So let's summarize it. So counter cyclical policy इस तरीके से काम करता है, और government of India और globally हर एक government ने पूरे pandemic के समय यही follow किया था. इसी का उल्टा होता है आपका प्रोसाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. प्रोसाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, तो प्रो का मतलब जो साइकिल है इसको सपोर्ट करो, इसको काउंटर मत करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई इकॉनमी इज स्लोइंग डाउन, ठीक है, अगर इकॉनमी स्लो कर रही है तो ये क्या करेगा, इसको और स्लो कर देगा. गवर्नमेंट विल नॉट स्पेंड मनी, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है. तो अगर स्लो कर रहा है तो और स्लो कर दो, और अगर ग्रो कर रहा है तो फॉलो करो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है. सो दिस इज प्रो, वॉट एवर इज हैपनिंग यू आर सपोर्टिंग इट. काउंटर साइक्लिकल में घटा यहां बढ़ाएं, यहां बढ़ रहा है यहां घटाएं, काउंटर. And pro mein you are doing the same thing. If my economy is slowing down, you are cutting down your spending.
So that is known as contractionary. And by economy is growing, you are following an expansionary fiscal policy. So this is known as the pro-cyclical fiscal policy. And that is not good. This is not good. ठीक है, because इससे क्या होगा, slowing down में आप ज्यादा पैसा कट करोगे, so this will lead to recession. Because already your economy is slowing down, and now you're also not spending. So in that case, your economy will be brought into recession. And when the economy is already growing, इकोनॉमी जो ठीक ठाक चल ही रहा है, तो सरकार को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. लेकिन तब भी अगर सरकार और ज्यादा पैसा खर्च करती है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ प्रोसाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. एंड दैट्स वाई जनरली नो गवर्नमेंट फॉलो सच काइंड ऑफ पॉलिसी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. तो ये है फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, तो सरकार ने कौन सा फिस्कल पॉलिसी है क्या, दैट इज अबाउट स्पेंडिंग. विच पॉलिसी गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. दैट मींस ड्यूरिंग द पैंडेमिक गवर्नमेंट वाज एक्सपेंडिंग द सप्लाई ऑफ मनी. द गवर्नमेंट वाज पुटिंग मोर एंड मोर मनी इनटू द इकोनॉमी बाय मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो दिस इज हाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फिस्कल पॉलिसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, so what is fiscal policy? Fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy. So government spending ka matlab hai ki government is spending more or less, and taxation ka matlab if the government increases the tax. So agar tax government badhayegi, theek hai, if the government increases the tax, then your income will come down, and when your income will come down, your demand will come down. Theek hai. So generally during the pandemic or during the slowdown, agar slowdown hai to government does what? Government wants to increase the demand, and if government wants to increase the demand, it will lower the tax. Isliye tax cuts hote hain aapke slowdown ke samay, so that more and more income is with the people, and when more and more income is with people, people will demand more. Theek hai, so this is also a part of fiscal policy, right? So it is generally how you're going to spend the money and your taxation thing. So fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy. In India particularly, when all economic activities had reached a standstill, matlab economy pura thap pada hai, no one is spending, the economy has completely come to a shutdown, us samay fiscal policy government ki bahut zyada important ho jati hai. एग्जाम्पल, जब आपकी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है, इकोनॉमी बंद पड़ी है, तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट एवरी पीपल ईट. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था इस पूरे पैंडेमिक के समय, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री फूड ग्रेन्स. ये सब कैसे होगा, गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर मनी अभी ना. तो इसलिए जब इकोनॉमी आपकी स्टैंड स्टिल पे आ चुकी है, इकोनॉमी आपकी रुक चुकी है, उस समय फिस्कल पॉलिसी बिकम्स वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट टू द वल्नरेबल. पैंडेमिक के समय सेफ्टी नेट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंदर फ्री फूड ग्रेन्स दिए गए थे, उसके लिए गवर्नमेंट को काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन दैट वॉज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. रिवाइविंग द इकॉनमी बाई बूस्टिंग डिमांड. हम लोग का डिमांड कैसे बूस्ट होगा, टैक्स कट. Tax cut कर दो, so that more and more income is with the people, and then the demand will also increase because of that. And addressing certain supply side constraints through the public investment. Supply side constraints का मतलब, for example, pandemic के समय अगर किसी चीज की supply नहीं हो पा रही है, तो उसको ठीक करना. इसीलिए government ने आत्मनिर्भर भारत का scheme लाया, right, to address those structural supply side issues. राइट, सो इस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस के समय फिस्कल पॉलिसी बिकम्स द अल्टीमेट टूल अलॉन्ग विथ मॉनेटरी पॉलिसी टू डू ऑल दीज थिंग्स. सो मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्ट वे में करता है, फिस्कल पॉलिसी डायरेक्ट वे में करता है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई एक तरीके से रेपो रेट को घटाता है. ठीक है, सो दैट्स अ इनडायरेक्ट वे ऑफ रिवाइविंग द इकॉनमी
But this is a very direct way of reviving the economy. Government starts to spend more and more money. So, its direct impact dekhne ko milta hai economy mein is the fiscal policy becomes very, very important in the case of economic slowdown. Right? So, we'll try to understand this fiscal policy to government kitna extra kharch kiya aur kya government pandemic ke samay kharch kiya to kya ab government kam kharch kar raha hai? Because zyada kharch nahi kar sakte hum log. ठीक है चलो पैंडेमिक था सो दैट वाज द वन ऑफ वन इवेंट सो देयर द गवर्नमेंट स्पेंड इट बट नाउ द पैंडेमिक इज नॉट देयर सो नाउ गवर्नमेंट शुड स्टार्ट टू कंसोलिडेट गवर्नमेंट शुड स्टार्ट टू कट इट्स स्पेंडिंग बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग मोर एंड मोर लोन्स सो दैट लोन्स ऑल्सो नीड्स टू बी रीपेड बैक इन द फ्यूचर दैट्स वाई देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच द गवर्नमेंट कैन स्पेंड ठीक है सो दैट्स व्हाट वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच गवर्नमेंट स्पेंडेड एक्स्ट्रा वेयर डिड इट स्पेंड इट नाउ व्हाट इज द स्टेट क्या अभी गवर्नमेंट कट डाउन की कि नहीं की एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट टारगेट फॉर एग्जांपल आई वाज स्पेंडिंग 100 नॉट ड्यूरिंग द पैंडेमिक आई स्पेंडेड 150 नाउ आई स्टार्टेड टू स्पेंड अब मुझे प्लान है कि वापस आई हैव टू गेट बैक टू 100 सो व्हेन इतने साल लगेंगे मुझे वापस से उतने स्पेंडिंग पे आने में सो ऑल दोस थिंग्स फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है एंड साथ ही साथ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है और कहां पे खर्च कर रहा है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंड तभी करेगा जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा सो दैट्स व्हाट वी विल अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा आ रहा है अब बिकॉज इफ द गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर मनी थ्रू टैक्स कलेक्शन एंड अदर थिंग्स सो गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर मनी सो वी विल ट्राई टू ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच गवर्नमेंट इज गेटिंग द मनी And where the government is spending the money. For example, I was spending 100. Now during the pandemic, I have started to spend 150. So I'm spending 50 rupees extra. So kya wo 50 rupees I'm spending on subsidies? Or whether I'm spending that 50 rupees on creation of highway. Which is better? Creation of highways? Capital expenditure is better than giving subsidies? Okay, so that we will understand that where government has used that fiscal space. That extra spending. Kaha pe government ne kharch kiya hai? And all those aspects is chapter mein aapke cover honge. So first of all, we'll try to understand the union government's finances. जो central government है, उसका हम लोग revenue और expenditure थोड़ा समझते हैं, ठीक है? So sustained revenue buoyancy over the last 2 years, post the plummeting during the pandemic affected year FY 2020. FY 2021, that means 2020 से लेके 21 तक के बीच में, क्योंकि ये pandemic का साल था. और पूरी इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन पे आ चुकी थी तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट विल नॉट गेट मच रेवेन्यू बिकॉज जब कॉर्पोरेट इनकम नहीं कमाएगा लोग इनकम नहीं कमाएंगे तो टैक्स कहां से देंगे और अगर टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम आएगी लेकिन उसके बाद 2021-22 में और 2022-23 में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है ठीक है तो पैंडेमिक के समय घटा लेकिन अभी काफी तेज रेट से बढ़ रहा है And that is because of government has brought many, many reforms. जैसे GST जैसा reform, आज GST का जो collection है, it is touching its record high. ठीक है, so that's what digitalization of economic transactions. आज सारे economic transactions digital way में किए जा रहे हैं. इसलिए tax evasion करना बहुत मुश्किल है. Faceless assessment and appeal. आज tax harassment by income tax authorities काफी कम हो गया है. हमने देखा था last lecture में trust based governance. ठीक है, then simplification of return filing. So more and more people are filing their tax return now because of this simplification process. So because of this overall, जो हमारा revenue है, which declined during the pandemic, now since the past 2 years is increasing at a much more higher rate. So the revenues have grown at a pace much higher than the growth in GDP is a testimony to the effectiveness of efforts taken by the government to expand the tax base and enhance the tax compliance. So what is tax base? Tax base क्या होता है? Suppose this is the base. For example, मान लो 1 lakh crore का है ये. इसी 1 lakh crore पे tax लगना है. So tax base का expand मतलब कितने tax, कितने income पे हम tax लगाएंगे. तो पहले मान लो इस साल 1 lakh crore total income लोगों ने कमाया, लोगों ने, companies ने, उसी पे tax लगेगा. And next year हो सकता है ये जो tax base है, ये expand कर जाए, ये 2 lakh crore हो जाए. ठीक है, so this is the base on which the tax is collected. So this is nothing but the income.
जनरेटेड बाय पीपल कंपनीज एंड एवरीवन जिस पे आपको टैक्स लगेंगे एंड दिस टैक्स बेस कैन ओनली इंक्रीज. कैसे टैक्स बेस बढ़ेगा? पहला, मोर एंड मोर पीपल गिव द टैक्स, टैक्स इवेजन कम हो. सेकेंड, लोग ज्यादा इनकम कमाए तो वो डिपेंड करेगा जब जीडीपी और तेज रेट से बढ़ेगी कंपनीज की जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा. थर्ड, जो टैक्स कलेक्शन है बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी वो भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो. ठीक है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रिफॉर्म किया है एंड दैट्स व्हाई द टैक्स कलेक्शन इन रीसेंट ईयर्स हैव इंक्रीज्ड बियॉन्ड व्हाट इट वाज देयर पोस्ट प्री द पैंडेमिक. नाउ अब हम लोग एक एक करके टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट उसमें जाने के पहले, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर एंड अदर थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं. सो अगर हम लोग बजट देखेंगे किसी भी साल का, तो बजट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है, ठीक है, और आपका कैपिटल अकाउंट होता है. ठीक है, तो कोई भी बजट में दो चीजें होती है, रेवेन्यू और कैपिटल. ठीक है, अब रेवेन्यू में क्या होगा, एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सिमिलरली कैपिटल में आपका कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, यही होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसीप्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. तो सरकार का यही चार चीज होती है जनरली. तो व्हाट इज रेवेन्यू? जैसे हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा था, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट में एसेट लाइबिलिटी चेंज नहीं होता है, कैपिटल अकाउंट में एसेट लाइबिलिटी चेंज होता है. सेम चीज यहां भी अप्लाइड है. रेवेन्यू अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, ऑल दोज ट्रांजेक्शन और ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच Do not affect the asset or liability of the government. Which do not affect the asset or liability of the government. मतलब government के asset और liability पे कुछ भी असर नहीं पड़ता है. ठीक है, for example, government अपने officers को salary देता है. ठीक है, this is the government and this is the officer. इसको salary दिया 1 lakh. तो क्या इसे government को कोई asset create हुआ? नहीं. क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ? नहीं. सो ऐसे अकाउंट्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहां लिखेंगे? रेवेन्यू अकाउंट. बट सपोज नाउ द गवर्नमेंट हैज स्पेंडेड 1 lakh ऑन क्रिएशन ऑफ हाईवेज, रोड बनाने में खर्च किया, तो क्या गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हुआ? तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहां लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में. सो कैपिटल अकाउंट में ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच अफेक्ट्स द एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, सो सारे ट्रांजैक्शन जिससे एसेट्स और लायबिलिटी चेंज होता है वो वहां लिखेंगे, और जहां पे एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होता है वो हम लोग आपको कहां लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे. ठीक है, नाउ, ठीक है, सो रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट लायबिलिटी चेंज जहां पे सरकार की नहीं हो रही है वो यहां लिखेंगे. अब आते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट. रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? जो पैसा आता है सरकार के पास, ये आपका सरकार के पास एस पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर सरकार कहां पे खर्च कर रही है. ठीक है, सो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या आएगा, मतलब सरकार को कौन सा पैसा आता है जिससे सरकार का एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सरकार को एक साल में कौन सा ऐसा पैसा आ रहा है जिसकी वजह से सरकार का पैसा, सरकार के ऊपर एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वह कौन सा पैसा है? टैक्स. जो लोग टैक्स भर रहे हैं उससे आ रहा है जो पैसा. ठीक है, सो वॉट एवर वी आर गिविंग द टैक्स, उससे गवर्नमेंट का कोई एसेट और लायबिलिटी चेंज नहीं कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज द रेवेन्यू रिसीप्ट्स. अब गवर्नमेंट कहां पे खर्च कर रही है जिससे गवर्नमेंट का एसेट और लायबिलिटी चेंज नहीं कर रहा है? सैलरी टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज, पेंशन, है ना. तो ये जितने भी खर्च है उससे सरकार का कोई एसेट और लायबिलिटी चेंज नहीं हो रहा है. थर्ड, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट. तो फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 lakh rupees स्टेट को दिया एमजी नरेगा के अंदर. ठीक है, सेंटर ने स्टेट को 1 lakh rupees ट्रांसफर किया एज अ ग्रांट एमजी नरेगा के लिए, तो क्या सेंटर का कोई एसेट क्रिएट हुआ? लायबिलिटी क्रिएट हुआ? नहीं. तो इसको हम लोग यहां डालेंगे.
ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी एसेट लायबिलिटी गवर्नमेंट का चेंज नहीं आ रहा है। रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा खर्च करना। अब कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। अब यहां पे क्या होगा, एसेट और लायबिलिटी गवर्नमेंट की चेंज करेगी। अब इसमें रिसीप्ट्स, सरकार को पैसा आता कहां से, ये दो तरीके के होते हैं, नॉन डेप्ट और डेप्ट और एक्सपेंडिचर। तो यही हम लोग बात करते हैं हमेशा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, जैसे रोड का बनाना इस पे खर्च करना, पोर्ट्स पे बनाना इस पे खर्च करना, हॉस्पिटल्स पे बनाना इस पे खर्च करना। ये सारे खर्च करने से गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। इनमें क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हुआ? नहीं। इसलिए दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने से हमारे इकोनॉमी को चार गुना फायदा होता है। इफ यू स्पेंडिंग 100 रुपीज ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द इकोनॉमी गेन्स बाय 100। इफ यू स्पेंड 100 रुपीज ऑन कैपेक्स, योर इकोनॉमी ग्रोज बाय 400। ठीक है, सो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीप्ट्स के ऊपर। तो ये दो तरीके का, अब ये मतलब सरकार को जो पैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन सरकार को पैसा आएगा, लेकिन उससे सरकार का क्या होगा, एसेट और लायबिलिटी चेंज हो जाएगा अब, बिकॉज वो कैपिटल में है। नॉन डेप्ट मतलब सरकार के ऊपर कोई कर्ज नहीं चढ़ रहा है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, डिसइन्वेस्टमेंट। मान लो सरकार ने पीएसयू को बेच दिया, कल को मान लो सरकार ने बीएसएनएल को बेच दिया या बीपीसीएल को बेच दिया। सो इफ द गवर्नमेंट सेल्स बीपीसीएल, तो गवर्नमेंट विल गेट सपोज 50,000 करोड़, तो गवर्नमेंट विल गेट द मनी, सो रिसीप्ट्स के अंदर। बट क्या उससे गवर्नमेंट का एसेट लॉस हुआ? यस, गवर्नमेंट हैड दैट एसेट ऑफ बीपीसीएल, नाउ गवर्नमेंट इज लूजिंग दैट एसेट। सो सच डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है, वी राइट इन नॉन डेप्ट रिसीप्ट्स। सिमिलरली रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, कि मान लो सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, आज लोन का पैसा उसको वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांजैक्शंस में गवर्नमेंट का एसेट और लायबिलिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब डेप्ट, तो इसमें क्या सरकार को कर्ज लेना पड़ा? नहीं, ऑल्दो सरकार के पास ऐसा आ रहा है, बट सरकार की एसेट कम हो रही है, तो अपना सरकार अपने ही पूंजी को बेच के पैसा ले रहा है, बट गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग लोन। बट इसमें क्या होता है, डेप्ट जो गवर्नमेंट जो मार्केट से पैसा उठाता है, मार्केट बोरोइंग्स, तो सरकार ने लोन ले लिया, 1,00,000 रुपए का लोन ले लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, उससे गवर्नमेंट को तो पैसा आया, बट क्या गवर्नमेंट के ऊपर वो लायबिलिटी हुआ? यस, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू पे दैट। सो वो भी तो पैसा आ ही रहा है, बट उससे गवर्नमेंट को क्या क्रिएट हो रहा है, लायबिलिटी। तो वो कहां पे ऐड करेंगे, डेप्ट रिसीप्ट्स में, ठीक है। तो ये आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि एसेट लायबिलिटी का चेंज यहां पे नहीं होता है, यहां पे एसेट लायबिलिटी का चेंज होता है। इसमें दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट जनरली जो टैक्स से पैसा आता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी, पेंशन, ग्रांट्स टू द स्टेट। और कैपिटल अकाउंट में आपका एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रोड रेलवेज बनाने का, दैट्स अ वेरी गुड एक्सपेंडिचर, इसका इकोनॉमी को रिटर्न 4x होता है, 4x। और रेवेन्यू कैपिटल रिसीप्ट में नॉन डेप्ट और डेप्ट आ जाएगा, नॉन डेप्ट में डिस इन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स, और डेप्ट में मार्केट बोरोइंग्स, ठीक है। तो जो हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, तो यही होता है आपका, this is my fiscal deficit, ठीक है। इसी को हम लोग fiscal deficit कहते हैं। एक साल में सरकार कितना पैसा लोन लेके खर्च करेगा, तो लोन लेके आएगा कहां पे, यहां पे आएगा वो पैसा, ठीक है। सो जो भी गवर्नमेंट पैसा लोन लेती है एक साल में, वो कहां पे ऐड होगा, डेप्ट रिसीप्ट्स पे, कैपिटल अकाउंट, बिकॉज दैट इज अ गवर्नमेंट्स लायबिलिटी, वो गवर्नमेंट पे लायबिलिटी आ जाता है, तो वो फिस्कल डेफिसिट हो गया। और जब आप रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, तो वो ये होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना सरकार को रेवेन्यू रिसीप्ट आ रहा है, और कितना सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा है, सो दैट इज इसका, इसको माइनस कर दोगे, सो वो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, और वो आपका फिस्कल डेफिसिट आ गया, ठीक है। So, इस तरीके से कुछ कुछ आपको डेफिसिट्स भी एग्जाम में क्लियर रहने चाहिए कि क्या क्या डेफिसिट्स हमारे होते हैं, ठीक है। बाकी आपको, ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, समरी करेंगे, तो फर्स्ट इज माई फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू गवर्नमेंट्स टोटल बोरोइंग
ठीक है, एंड देन यू हैव रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट, ठीक है, आउट ऑफ विच इट क्रिएट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये समझते क्या है, सबसे पहले हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट क्लियर है, गवर्नमेंट एक साल में कितना बोरिंग कर रही है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू रिसीव माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब आपका ये वाला राइट सो ये हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज रेवेन्यू रिसीव माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरली बताओ ये जो है ये जनरली हमारा 0% होना चाहिए, जनरली क्यों, क्योंकि इसमें डेफिसिट नहीं होना चाहिए। चलो आपने इधर लोन लिया वो ठीक है, बट ये क्या है, ये जितना सरकार को पैसा आ रहा है और जो सरकार खर्च कर रही है, बट खर्च कहां कर रही है, सैलरी पेंशन इन चीजों पे, ठीक है। तो जनरली यहां पे हमारा डेफिसिट नहीं होना चाहिए बिकॉज ये हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इतना सरकार को सैलरी देना ही है, पेंशन देना ही है, ग्रांट देना ही देना है। तो अगर यहीं पर डेफिसिट हो जाएगा तो इस डेफिसिट के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें लोन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि रेवेन्यू डेफिसिट एटलीस्ट हमारा जीरो रहे, और जो भी पैसा हम ले रहे हो वो फिस्कल डेफिसिट के थ्रू लें, और वहां पे हम एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीव माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिस्कल डेफिसिट आपका ये आ गया। और एक होता है आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस दिस थिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है हमारा, इससे सरकार का कोई एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ने, ठीक है, 500 रुपए स्टेट को दिया था, लेकिन उस 500 रुपए में से स्टेट ने 200 रुपए का हाईवे बना दिया, ठीक है, कि सरकार ने 500 दिया स्टेट को, स्टेट ने उस 500 से 200 का हाईवे बना दिया, तो ये एसेट क्रिएट हुआ, बट ये एसेट किसका क्रिएट हुआ, स्टेट का, सेंटर का क्रिएट नहीं हुआ, समझ में आ रही है बात। सो बिकॉज गवर्नमेंट, मैंने मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट टू, आई हैव गिवन 500 टू द स्टेट, सो फॉर दैट 500 देयर इज नो एसेट और लायबिलिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू मी, बट आउट ऑफ दैट 500 द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्पेंडेड 200 रुपीज ऑन क्रिएशन ऑफ हाईवेज, सो इन दैट केस द एसेट हैज बीन क्रिएटेड बट नॉट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट बट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। सो दैट इज व्हाई व्हेन वी कैलकुलेट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स given to the state, out of which, मतलब उसमें से कितना, out of which the state creates capital expenditure, ठीक है। तो ये तीन तरीके के deficit आपको काफी clear रहने चाहिए, fiscal deficit, revenue deficit and effective revenue डेफिसिट, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखना होगा, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, एक होता है आपके पास प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू बेसिकली फिस्कल डेफिसिट राइट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट on the past borrowing, ठीक है। So primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment on the past borrowing, मतलब अगर मान लो हम लोग बात करते 2023 की, सरकार ने लिया टोटल 1000 का फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार ने टोटल इतना पैसा लोन लिया, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 1000 रुपीज ऑफ लोन इन दिस ईयर, बट उस पैसे से हमें कुछ पैसा तो खर्च करना पड़ेगा जो हमने पिछले साल लोन ले रखा था,
उसके पिछले साल लोन ले रखा था, तो गवर्नमेंट तो हर साल लोन लेती है, उसका इंटरेस्ट आगे चुकाती है। तो इस साल गवर्नमेंट ने 1,000 रुपीज लिया, ठीक है, और इस साल गवर्नमेंट को अपने पुराने बोरोइंग्स के लिए भी कुछ खर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्पेंड 300, तो दैट इज इक्वल टू 700। मतलब फिस्कल डेफिसिट, सरकार लोन लेता क्यों है? टू इन्वेस्ट, टू बिल्ड न्यू हॉस्पिटल्स, राइट, टू प्रोवाइड फ्री फूड, टू प्रोवाइड स्कूल्स, टू बिल्ड रोड्स। बट उस फिस्कल डेफिसिट जो सरकार ने लोन लिया, उससे कुछ पैसा तो सरकार को पुराने बोरोइंग्स के लिए ही देना पड़ गया इंटरेस्ट, है ना। 2022 में आपने कुछ लोन ले रखा होगा, 2021 में आपने कुछ लोन ले रखा होगा, 2020 में कुछ लोन ले रखा होगा, इस तरीके से बहुत साल का लोन चल रहा है आपका, तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट तो देना ही देना है। सो दैट इज वाई प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली टेल्स हाउ मच इफेक्टिवली द गवर्नमेंट कैन स्पेंड इन दिस ईयर। So if the government is taking a loan of 1,000 rupees, but government is not able to spend 1,000 rupees, because out of 1,000, the government has to pay 300 on interest payment for its past borrowings. पिछले कर्ज का आप इंटरेस्ट अभी चुका रहे हो, तो पिछले साल का 300, जो पिछले सालों से आपने लोन ले रखा है उसका 300 आपका इंटरेस्ट देना है, तो effectively how much the government is left with? 700. So this is known as primary deficit. This basically tells how much effectively the government can spend. Effectively, the government can spend on the economy. ठीक है? How much effectively the government can spend on the economy? So this is basically primary deficit. ठीक है? So इस तरीके से revenue deficit आपको समझना है, fiscal deficit, effective revenue deficit और primary deficit, ठीक है। So with this we'll move to the, अब समझने में चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। So सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अब वही हम लोग जो पढ़े हैं उसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले बात किया रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में सबसे पहले क्या आएगा आपका? रेवेन्यू रिसीव्स में, रेवेन्यू रिसीव्स में टैक्स वाला आएगा, तो सबसे पहला क्या है? टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स, ठीक है। सबसे पहला क्या आ गया आपका? टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स, ठीक है। हम लोग अभी रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं, तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या होगा? रेवेन्यू रिसीव और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें रेवेन्यू रिसीव में टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स में आप देखो इतने तरीके के टैक्स होते हैं, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम। तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? जीएसटी। तो अगर 100 रुपए का टैक्स आता है तो 28 रुपए तो जीएसटी से आ गया, 26 कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो कंपनीज टैक्स पे करती हैं, पर्सनल इनकम टैक्स पीपल लाइक यू एंड मी हु अर्न्स एंड पे द टैक्स, देन एक्साइज ड्यूटी जो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस पे लगाती है, कस्टम ड्यूटी जो बाहर से सामान आता है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। ये देखो आप ग्रोथ, तो हर एक टैक्स में आप देख रहे हो ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। हमने पहले बात किया था 2021 में ऑन एन एवरेज सारे टैक्स डिक्लाइन किए थे पैंडेमिक के समय, बट सिंस देन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट मेनी स्टेप्स व्हिच इट हैज टेकन, नाउ द टैक्स हैज स्टार्टेड टू ग्रो। तो इस तरीके से हमारा ग्रोथ इन सेंटर्स डायरेक्ट टैक्स, हमारा टैक्स कलेक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स व्हिच ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूट्स हाफ ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, वो आपका क्या है? 50% है टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का। एज रजिस्टर्ड अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 26% फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर इनेबल्ड बाय कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स ग्रोथ, ठीक है। So, जो हमारा ये देखो 26 प्लस 26 कितना हो गया? 52%। बाकी तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स कितना है? 50% है। तो 100 रुपए जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें लगभग 50 रुपीज डायरेक्ट टैक्स होता है, 50 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हाफ हाफ। और सबसे ज्यादा एक इंडिविजुअल किस टैक्स का शेयर है? तो वो है जीएसटी का, अकेले वो 28% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और 50-50 दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। Now, अब इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाओ, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखो यहाँ पे अगेन देखो पैंडेमिक के समय ये हमारा डिक्लाइन किया, बट आफ्टर पैंडेमिक इंक्रीज, यहाँ पे थोड़ा सा बेस इफेक्ट भी आया तो इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट स्टिल इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट। और आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी कलेक्शन हमारा देख रहे हो 1.4 लाख करोड़, ये मंथली डेटा है, तो हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन आपको जीएसटी में देखने को मिल रहा है। और पहले देखो 2021 में है ना काफी कम था 1.2 1.3 इसमें, बट अब जो जीएसटी है बिकॉज जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म था 2017 में आया था, उसके बाद ग्रेजुअली
गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए कि आज जीएसटी जो है वो काफी स्टेबलाइज कर रहा है, आज जीएसटी एज अ टैक्स इज स्टेबलाइजिंग इटसेल्फ। ठीक है, सो अब हमारा ऑन एन एनुअल एवरेज कलेक्शन लगभग 1.5 लाख करोड़ से, ठीक है, सो दिस इज हाउ द जीएसटी हैज स्टेबलाइज इटसेल्फ एज अ वेरी गुड टैक्स। अब यहां देखो, जीएसटी इज इंप्रूव द बायंसी ऑफ इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। हमेशा आप एक टर्म सुनोगे टैक्स बायंसी, सो टैक्स बायंसी क्या होता है, द इंक्रीज इन द टैक्स रिलेटिव टू द जीडीपी। तो अगर आपका जीडीपी, सपोज किसी कंट्री का अगर जीडीपी इंक्रीज कर रहा है तो मतलब पीपल आर अर्निंग मोर, सो इफ पीपल आर अर्निंग मोर देन टैक्स कलेक्शन शुड ऑल्सो इंक्रीज। सो इफ टैक्स बायंसी इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि जो टैक्स कलेक्शन है इट इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर मैनर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द जीडीपी। ठीक है, सो हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसमें, टैक्स बायंसी। ठीक है, तो टैक्स बायंसी में क्या है, चेंज इन टैक्स बाय चेंज इन जीडीपी। ठीक है, तो टैक्स जो कलेक्शन हो रहा है आपका, क्या वो जीडीपी के ग्रोथ रेट से ज्यादा है? सो अगर टैक्स बायंसी 1 है, मतलब जो टैक्स कलेक्शन है और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सेम है। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो टैक्स कलेक्शन है वो ज्यादा तेज रेट से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन जीडीपी। सो दैट्स अ गुड थिंग। हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है 5% से, लेकिन टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है 6% से। सो गवर्नमेंट विल बी गेटिंग मोर एंड मोर रेवेन्यू। सो बिकॉज ऑफ जीएसटी, वही सर्वे कह रहा है, बिकॉज ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसकी वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्स का बायंसी है, जो इनडायरेक्ट टैक्स का बायंसी है वो ग्रेटर देन 1 हो गया है। मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्स कलेक्शन है इट इज एट अ मच हायर रेट देन व्हाट इज द ग्रोथ रेट इन द जीडीपी। सो दैट्स व्हाट द सर्वे इज बेसिकली टेल्स अस। ठीक है, यहां पे आपको देखो कि जीएसटी हैज इंप्रूव्ड द बायंसी ऑफ इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। प्री जीएसटी एरा जो टैक्स बायंसी था वो लेस देन 1 था, बट पोस्ट जीएसटी एरा जो इनडायरेक्ट टैक्स बायंसी है इट इज मोर देन 1, इट इज मोर देन 1। और देखो नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स इंक्रीज फ्रॉम 70 लाख to 1 करोड़, 70 लाख टू 1 करोड़। ठीक है, सिमिलरली आपको ये सब हमने कर चुका, व्हाट इज नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, सो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स, उसमें क्या आएगा, हमारा डिविडेंड्स फ्रॉम द पीएसयूज एंड आरबीआई। ठीक है, सो हमने बात किया था रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में एक होता है टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। तो टैक्स जो लोग टैक्स भरते हैं, और नॉन टैक्स क्या आ गया, डिविडेंड्स, मतलब जो प्रॉफिट पीएसयू देते हैं, आरबीआई देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, सो डिविडेंड्स, इंटरेस्ट रिसीव, जो सरकार ने लोन दे रखा है उस लेन पे जो लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ एक्सटर्नल ग्रांट्स जो बाहर के कंट्रीज इंडिया को ग्रांट देते हैं। सो ये सब हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में। अब आ जाओ कैपिटल रिसीप्ट्स में। तो कैपिटल रिसीप्ट्स में दो होते हैं, डेप्ट और नॉन डेप्ट। तो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स में ये हो गया, और डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट मतलब वही फिस्कल डेफिसिट हो गया ये हमारा। और देखो फिस्कल डेफिसिट का ये ग्राफ है और प्राइमरी डेफिसिट का ये ग्राफ है। तो देख रहे हो कि पैंडेमिक के समय हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, 9.2, बट नाउ इट इज डिक्लाइनिंग। और 2023 का टारगेट कितना है, 6.4% ऑफ जीडीपी। ये 6.4% ऑफ जीडीपी है, और ये टारगेट कितना है हमें, मतलब ये 9.2 तो बढ़ा, but what is our target, it is our target is ki fiscal deficit should reach 4.5% of gdp by 2025-2026। ye hamara target hai, isi ko kehte hain fiscal consolidation, ki sarkar ne pandemic ke samay bahut zyada kharch kiya, but ab gradually jab economy revive kar rahi hai, economy is moving, so now the time has come that government should cut down on its spending। And what is the government game plan? The government's game plan is to reduce that thing to 4.5% of GDP by this year. So this process is known as fiscal consolidation. This is known as fiscal consolidation. Okay. So government is on the track to achieve the fiscal deficit target for FY 2023. Now. ठीक है, सो देखो गवर्नमेंट इज ऑन द ट्रैक टू अचीव द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर FY 23। कितना है, 6.4 है हमारा। ठीक है, और ये क्यों हो पा रहा है, फिस्कल परफॉर्मेंस अच्छा क्यों हो रहा है, बिकॉज इकॉनमी, तो ये फिस्कल परफॉर्मेंस हमारा अच्छा है, मतलब फिस्कल इज कंसोलिडेटिंग, जो हमने एक्स्ट्रा खर्च किए थे नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग बाय
because of the recovery in economic activity, tax buoyancy because of GST and other things from direct tax and GST and realistic assumptions in the budget. Realistic assumptions का मतलब कि budget में हमने कुछ जो budget का assumptions है, इतना पैसा आएगा उसको real रखा है. नहीं तो अगर सरकार सोचेगी 100 रुपए आएगा but आ रहा है 50 रुपए, ठीक है, तो उससे miscalculations हो जाते हैं. इसलिए you have to be very realistic in your assumptions in the budget. So government has been doing that. So ये हो गया हमारे पास receipts का, पैसा आने का. अब देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट पैसा खर्च कहां कर रही है, वो देखते हैं. तो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी हमने बात कर रखा. व्हाट इज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी? इट इज मेजर्स टू सपोर्ट द इकॉनमी ड्यूरिंग द क्राइसिस लेड टू राइज इन एक्सपेंडिचर. सही बात है, पैंडेमिक के समय गवर्नमेंट ने काउंटर साइक्लिकल किया जिसकी वजह से सरकार को ज्यादा खर्च करना पैसा करना पड़ा. सो दैट लेड टू अ राइज इन द एक्सपेंडिचर बट द क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग हैज इंप्रूव्ड. लेकिन सरकार ने एक्स्ट्रा पैसा तो खर्च किया बट कहां खर्च किया, वहां के वो कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग हैज इंप्रूव्ड. हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि द क्वालिटेटिव शिफ्ट, पहले गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग मोर ऑन, तो गवर्नमेंट टुक लोन एंड स्पेंड ऑन सब्सिडीज, बट दिस टाइम द गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन बट इट इज नॉट स्पेंडिंग ऑन सब्सिडी, रादर इट इज स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसलिए देखो आपके पास जो यूनियन गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो है, इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. आप देखो ये पैंडेमिक ईयर है, उसके बाद से ये आपका कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है. अब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा तो ले रही है लेकिन गवर्नमेंट उसको रोड, रेलवे, हाईवे, हॉस्पिटल बनाने में खर्च कर रही है. सो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब्सिडी मत दो आप लोन लेके, ठीक है. और ये भी देखो, राइजिंग शेयर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर द टोटल एक्सपेंडिचर. सो टोटल एक्सपेंडिचर का 20% ऑफ गवर्नमेंट कहां खर्च कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. पहले देखो 12% करती थी. सो दिस हैज बीन अ ह्यूज स्ट्रक्चरल शिफ्ट. सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद गवर्नमेंट टेकिंग द लोन्स, गवर्नमेंट कैन टेक द लोन बट वेयर यू आर स्पेंडिंग योर लोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड स्पेंड दैट थिंग ऑन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, not on giving freebies to people. Now, relevance of capex. Capex ka relevance kya hai, ye dekho. It strengthens the aggregate demand. Demand badhega and crowds in the private spending. Jab private people are not ready to invest, but when the government spends, private people help find, yes, government is there to support us, government is spending, let us also come and invest. So, private people ka jo reluctancy hai, invest karne ka, wo khatam ho jata hai and they also crowd in. Wo aa jate hai investment ke cycle mein. It enhances the longer term supply side productivity capacity. मतलब obvious बात है, बहुत सारे supply chain के जो bottlenecks थे उसको government because of extra spending ठीक करती है. तो जो supply side constraints हैं production को लेके, है ना, minerals का, mining, coal and other things, तो जो supply side issue होता है उसको भी government is able to reforms. Also the center has nudged the states to boost capex. ये हम लोग आगे देखेंगे कि center तो खर्च की capex पे, center ने ये भी ensure किया कि states भी capex पे खर्च कर रहे हैं. तो ये आगे देखेंगे क्या है हमारा. उसके बाद ये हो गया हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देखा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, इसमें कोई सरकार की एसेट वेसेट क्रिएट नहीं होती है, जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट, जो पुराने लोन का इंटरेस्ट दे रहे हो आप, मेजर सब्सिडीज हो गया, और डिफेंस सर्विस और डिफेंस पेंशन एंड अदर थिंग्स लाइक दैट है. तो इसमें देख रहे हो मतलब देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. इस एक्सपेंडिचर से कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं हो रही आपकी इकॉनमी की, ठीक है. तो इसलिए गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को चाहती है कि कम हो दिन पे दिन, बिकॉज लेकिन आज पेंशन का अमाउंट बढ़ रहा है. देखो पहले पेंशन 1.46 लाख करोड़ था, आज 2.07 लाख करोड़ तो हम लोग केवल पेंशन दे रहे हैं. सब्सिडीज देखो 1.91 लाख करोड़ था, 3.18 लाख करोड़ है, इस समय 4.46 लाख करोड़ है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. वी वांट टू कट डाउन ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट वी वांट टू इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज दैट्स मच मोर बेटर, ठीक है. So, वही सब चीज यहाँ पे लिखा है आपके पास, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर बीन रिटन ओवर हियर. जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सो यहाँ पे देखो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैज स्ट्रेच्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. तो जो पैंडेमिक आया उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट आया उसकी वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ गया. क्यों? बिकॉज रेवेन्यू में सरकार को फ्री में खाना देना पड़ा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, फूड, फर्टिलाइजर्स, फ्यूल, इसका भी दाम बढ़ गया था बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप. इसकी वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा सरकार को ज्यादा करना पड़ा था. बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन एंड बेटर टैक्स रियलाइजेशन, इंटरेस्ट बर्डन विल कम डाउन इन द फ्यूचर. मतलब वही हमने कहा कि जो पैंडेमिक के समय सरकार ने एक्स्ट्रा खर्च किया था, बट नाउ गवर्नमेंट इज कटिंग डाउन इट्स स्पेंडिंग, गवर्नमेंट हैज कंसोलिडेटेड इट्स फिस्कल स्पेस एंड दैट्स व्हाई इन फ्यूचर इंटरेस्ट बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन मतलब जो आप लोन लोगे उसका इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट बर्डन विल कम डाउन because government is going moving towards a path of fiscal consolidation. So this was about the central government finances. ठीक है, तो central government finances में हमने दो तीन चीज देखा. एक तो tax collection काफी improve किया है, economy ठीक ठाक grow कर रही है, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा extra पैसा खर्च हुआ था
पैंडेमिक के समय अब वो कॉन्सोलिडेट कर रहा है, इसलिए हम लोग इस साल अपने फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 6.4% ऑफ जीडीपी उसको अचीव कर लेंगे, और हमारा टारगेट क्या है 4.5% बाय 2025-2026। और जो भी हमने एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया लेकिन उसका क्वालिटी जो है वो अब इंप्रूव किया है, वी हैव स्पेंडेड मोर मनी ऑन कैपिटल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे जो फाइनेंस का हालात है एट सेंट्रल लेवल पे वो काफी ठीक है। नाउ अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंसिस एनालाइज करते हैं तो ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंसिस देखो क्या है आपका, स्टेट गवर्नमेंट का जो जो एवरेज जीडीपी है फिस्कल डेफिसिट है वो है 3.4%, ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट देखो आपका ये वाला है, ठीक है, तो ये भी घट रहा है, तो स्टेट का भी हालात ठीक है अभी जो, एंड ठीक है, सो वही है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट इंप्रूव देयर फाइनेंसेस इन FY 2022 आफ्टर बीइंग एडवर्सली इंपैक्टेड बाय द पैंडेमिक इन FY 2021, ठीक है, तो अगेन वही स्टेट गवर्नमेंट का भी जो थोड़ा सा पैंडेमिक के समय देखो फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था बट अभी कॉन्स्टेंटली इट इज ऑन डिक्लाइनिंग, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसिस भी आपके ठीक है। यहां पे एक और चीज हम लोग को देखना है, ठीक है, यहां पे एक चीज हम लोग को और देखना है, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म ड्राइव्स अ वेल टारगेटेड फिस्कल पॉलिसी, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म ड्राइव्स अ वेल टारगेटेड फिस्कल पॉलिसी। यहां पे हम लोग देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज भी देखने को मिल रहा है, पहले आपको पता है कि सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में फेडरल इश्यूज बहुत ज्यादा होते थे, और उसमें एक जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है वो फाइनेंशियल फेडरलिज्म का है, बिकॉज पता है स्टेट सेंटर्स जो है वो ज्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं और स्टेट्स का पैसा खर्च करने का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो स्टेट को खर्च ज्यादा करना है, कलेक्शन कम है, सेंटर के पास सारा कलेक्शन है, सेंटर के पास पैसा कम, सेंटर के पास सारा कलेक्शन है बट खर्च कम है, ये मिसमैच है, इसी मिसमैच की वजह से हमेशा फाइनेंशियल फेडरलिज्म में इश्यूज आते रहते थे, और जब जीएसटी आया उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो पावर है, ठीक है, जो पहले आपका सर्विस टैक्स लगता था उस वो पावर भी स्टेट्स का खत्म हो गया, वो पावर भी अब आपका जीएसटी काउंसिल के पास चला गया, ठीक है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल फेडरलिज्म में इश्यूज आ सकते थे, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने काफी अच्छे से इस फाइनेंशियल फेडरलिज्म को मैनेज किया है। पहला तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से जीएसटी कंपेंसेशन का एक इशू, आपने नाम न्यूज में सुना होगा, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से रिजोल्व किया, और साथ ही साथ हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफी ज्यादा खर्च कर रही है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी एंश्योर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, प्रमोट किया जाए कि वो भी अपना पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ खर्च कर रही है, बिकॉज आपको पता है जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा खर्च करते हैं रेवरी कल्चर में, फ्रीबीज कल्चर में, सो अभी देखेंगे किस तरीके से सेंटर ने बहुत अच्छे तरीके से स्टेट्स को कन्विंस किया है, नज किया है, मोबिलाइज किया है, इंसेंटिवाइज किया है कि दे शुड ऑल्सो स्पेंड इन द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। तो सबसे पहले इसमें आपको बात है सपोर्टिंग द जीएसटी कंपेंसेशन पेमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस। आपको पता है कि जब जीएसटी आया था, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, और जब जीएसटी आया था तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पावर था, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पावर था वो स्टेट्स के खत्म हो गए थे। अब स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं था कि वो इनडायरेक्ट टैक्स लगा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब उस समय आप देख लो सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन खत्म हो गया, और साथ ही साथ जीएसटी जो है वो आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, मतलब कहां पे कोई चीज, फॉर एग्जांपल ये पेन महाराष्ट्र में बनके मध्य प्रदेश में जाता है, ये पेन प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है, महाराष्ट्र में, बट दिस पेन का यूज कहां पे हो रहा है, मध्य प्रदेश में, तो टैक्स कहां पे लगेगा, क्या महाराष्ट्र में लगेगा या मध्य प्रदेश में लगेगा, सो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब ये पेन कहां पे कंज्यूम होगा टैक्स वहीं पे लगेगा, सो टैक्स विल बी लिवाइड ऑन मध्य प्रदेश, तो एमपी को इस टैक्स का फायदा मिलेगा बट महाराष्ट्र का ये टैक्स चल जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, एक तो पहले ये एक नया रिफॉर्म था, स्टेट्स के पावर खत्म हो चुके थे, तो स्टेट्स डर गए थे कि कल को क्या होगा, कल को हम सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, अब जीएसटी की वजह से हो सकता है मेरा टैक्स कलेक्शन कम हो जाए, सो व्हाट एवर आई विल डू। सिमिलरली जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे उनका भी लॉस है, बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, वो कहां पे कंज्यूमर है वहां पे टैक्स लगेगा, तो इसकी वजह से जीएसटी कंपेंसेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर किसी भी स्टेट का जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो रहा था उसमें 14% का ग्रोथ आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि इस साल 100 रुपए का कलेक्शन आपका हो रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस 100 रुपए का आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो पहले से कलेक्ट कर रहे थे इस पे आपको 14% हम लोग मान लेते हैं कि वो ग्रो करेगा।
ठीक है, मतलब सरकार हर स्टेट अपना इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रहा था, तो ये माना गया कि सर जो हर एक स्टेट है उसका इनडायरेक्ट टैक्स 14% से ग्रो करेगा। तो अगर मान लो एक स्टेट लाइक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आपको 100 रुपए पहले कलेक्ट कर रही थी, अब उस पर 14% का ग्रोथ रेट उसको इंश्योर किया गया कि अगले साल वो कितना कलेक्ट करेगी, 114 रुपीज। लेकिन अगर वो ये चीज नहीं कर पाई तो उसको कंपेंसेट किया जाएगा, उसको कंपेंसेट किया जाएगा। मतलब सपोज जीएसटी नहीं रहता तो मध्य प्रदेश कितना कलेक्ट करती, 100 रुपीज इस साल, और अगले साल लगभग 14% का ग्रोथ रेट है तो अगले साल वो कितना कलेक्ट करती, 114 रुपए। अब मान लो उसको जीएसटी की वजह से पैसा आ रहा है 110 रुपए, तो 4 रुपए का उसको लॉस हो गया। तो ये विदाउट जीएसटी उसके पास ऑन एन एवरेज 114 रुपए तो आता, बट जीएसटी की आने की वजह से उसको 110 रुपए आ रहा है, तो 4 रुपए तो उसको लॉस हुआ। इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए ये कहा गया कि अगर जीएसटी के आने से आपका जो रेवेन्यू है इनडायरेक्ट टैक्स का अगर वो कम होता है, इससे कम होता है, एवरेज कितना माना गया, लगभग 14% का ग्रोथ रेट, तो मान के चलेंगे कि 14% का ग्रोथ रेट होगा, अगर उस कलेक्शन से कम आएगा तो आपको कंपेंसेट किया जाएगा, दैट इज नोन एज जीएसटी कंपेंसेशन। इसको हर एक स्टेट्स को उसके इनडायरेक्ट टैक्स अगर 14% से ग्रो नहीं कर रहा है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए था ये, 2017 से लेके 2022 तक, तो अगर 5 साल के लिए आपका जो आपको पैसा आ रहा था जीएसटी के पहले, अगर वो 14% से ग्रो नहीं करेगा जीएसटी के आने के बाद, तो उसको आपको कंपेंसेट किया जाएगा 5 साल के लिए। और इसके लिए पैसा कहां से आएगा कंपेंसेशन के लिए, जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया गया, ठीक है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया गया, ठीक है, जैसे लग्जरी गाड़ियों पे, सिगरेट्स पे, सिन गुड्स पे, इन पे टैक्स लगाया गया, और इन टैक्स से जितना भी पैसा आएगा उससे उन स्टेट्स को जिनको जीएसटी की आने की वजह से थोड़ा सा लॉस हो रहा है उनको कंपेंसेट किया जाएगा 5 साल के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जीएसटी कंपेंसेशन सेस, कि अगर जीएसटी नहीं आता तो आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 14% से ग्रो करता, ये हम मान के चल रहे हैं, हो सकता है नहीं ग्रो करता, बट ऑन एन एवरेज ये प्रेडिक्ट किया गया कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है इट ग्रोज बाय 14%। तो अगर जीएसटी आने के बाद आपका जो पहले कलेक्शन हो रहा था उसमें 14% से कम हो रहा है अब, तो उसको आपको कंपेंसेट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन पैंडेमिक के समय क्या हुआ कि क्राइसिस के समय तो इनडायरेक्ट टैक्स पूरा खत्म, ठीक है, बहुत कम कलेक्शन हुआ, 14% तो क्या 4% भी ग्रो नहीं किया जीएसटी, उस केस में कंपेंसेशन जो देना पड़ता सेंटर को वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो इतना तो कंपेंसेशन सेस जो सेस लगा रहे थे हम लोग उससे आएगा नहीं। तो इस समय आपको देख रहे तो बहुत ज्यादा न्यूज चल रहा था ये कि कौन कंपेंसेट करेगा, बिकॉज देखो सेंटर ने क्या प्रॉमिस किया था कि आपका रेवेन्यू 14% से ग्रो करेगा, अगर 14% से ग्रो नहीं किया तो उसको हम लोग कंपेंसेट करेंगे, दिस वाज द प्रॉमिस व्हिच वाज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट योर इनडायरेक्ट टैक्स आफ्टर कमिंग ऑफ जीएसटी विल आल्सो ग्रो बाय 14% एंड इफ इट डज नॉट ग्रो बाय 14% आई विल कंपेंसेट यू। बट कौन तो कौन सोचा था कि क्राइसिस पैंडेमिक जितना बड़ा आ जाएगा, सो दीज आर नोन एज ब्लैक स्वान इवेंट्स, इसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो सेंटर प्रॉमिस किया था बट सेंटर वॉज कंसिडरिंग कि नॉर्मल हालात रहेगा, बट ऐसे क्राइसिस के टाइम पे Who knows? ऐसे तो कल को कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेंटर ने कहा कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ इवेंट्स, कि कल को अर्थक्वेक आ जाए, पैंडेमिक आ जाए, उस केस में भी 14% ग्रो करेगा। अगर जीएसटी नहीं भी रहता तो आपका भी इनडायरेक्ट टैक्स तो कम होता ही पैंडेमिक के समय, तो हम तो कंपेंसेट कर रहे हैं जीएसटी की वजह से, बट ये जो इवेंट हुआ है, ये जो क्राइसिस आया है, ये तो आपका पैंडेमिक की वजह से आया है, ये तो अगर आप जीएसटी नहीं भी लाते तो भी आपका कलेक्शन कम होता, तो व्हाई शुड आई कंपेंसेट यू। तो स्टेट्स बोला था कि नहीं आप कंपेंसेट करो, सेंटर बोला था कि आई विल नॉट कंपेंसेट यू दैट मच, मैं कुछ कंपेंसेट करूंगा, जो कंपेंसेशन सेस से पैसा आ रहा है उतना कंपेंसेट करूंगा, बट दिस इज अ वन ऑफ क्राइसिस, आपका भी इसमें क्राइसिस थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, यू शुड ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज, आई विल ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन फाइनली फिर एक एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट होने के बाद सेंटर ने कहा कि ठीक है हम क्या करते हैं, जो भी आपको कंपेंसेशन कम पड़ रहा है पैंडेमिक की वजह से उसको हम लोग लोन ले लेते हैं और ये लोन आपको पास कर देंगे। तो सेंटर ने क्या किया, स्टेट्स को क्या क्या चाहिए था, कंपेंसेशन, बट सेंटर ने कहा कि आई विल नॉट गिव यू कंपेंसेशन बिकॉज दिस इज अ क्राइसिस, आपको भी थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ेगा, ये सब कोई प्लान नहीं किया था पहले से। तो स्टेट ने बोला कि ठीक है चलो ठीक है वी विल डू दैट, बट लोन हम लोग नहीं लेंगे बिकॉज स्टेट्स को लोन लगेगा, उसका पैसा कम आ रहा है, तो पैंडेमिक के समय स्टेट्स को लोन लेना था, लेकिन स्टेट्स ने कहा कि हम लोन नहीं लेंगे, आप हमारे बदला लोन ले लो,
यू टेक लोन ऑन आवर बिहाफ, आप हमारे बिहाफ पे लोन ले लो. क्यों? बिकॉज सेंटर को जो लोन मिलता है वो सस्ता मिलता है एज कंपेयर टू स्टेट, बिकॉज सेंटर के पास बार्गेनिंग पावर और सेंटर के पास जो लोन लेने के सोर्सेज हैं वो काफी ज्यादा हैं. तो अगर सेंटर को लोन ले रहा है 2% पे मिल रहा है तो स्टेट को लोन मिलेगा 5% पे. इसलिए स्टेट ने कहा कि ठीक है चलो मान लिया आपकी बात, हम भी थोड़े से लॉस लेंगे, बट ये लोन का जो अमाउंट है ये आप लो और ये लोन लेके आप हमें पास कर दो. तो सेंटर ने 100 रुपए का लोन लिया और बैक टू बैक बेसिस पे स्टेट को ट्रांसफर कर दिया. सो स्टेट पर हैप्पी कि चलो ठीक है लोन तो हमें सस्ता मिल गया. अब ये लोन को चुकाया कैसे जाएगा? तो इसके लिए जीएसटी जो कंपेंसेशन सेस लगाया जा रहा था, जो जीएसटी आपका कंपेंसेशन सेस लगाया जा रहा था, ये इनिशियली कितना था? 5 साल के लिए था, फॉर 5 ईयर्स, दैट इज फॉर 2017 टू 2020. एक स्पेशल तरीके का सेस लगाया गया था, इस पैसे से कंपेंसेट करेंगे. इस सेस को बढ़ा दिया गया अप टिल 2026. तो अब 2026 तक जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगेगा और इससे जो भी पैसा आएगा इससे हम लोग जो स्टेट्स का इंटरेस्ट है उसको फंड करेंगे. तो 2026 तक जो भी सेस का पैसा आएगा वो स्टेट्स को दिए जाएंगे, जो भी स्टेट ने लोन ले रखा है उससे वो इंटरेस्ट को चुका पाएगा. ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी वेल एफिशिएंट वे ऑफ टैकलिंग द इश्यू. तो सेंटर हैज शोन दैट इट इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, इट इज रेडी टू एक्ट, एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड द सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ दिस होल क्राइसिस. कि कौन पे करेगा, कैसे होगा, एंड अदर थिंग्स लाइक. ठीक है, देन एनहांस द लिमिट ऑफ बोरिंग ऑफ द स्टेट्स एंड इंसेंटिवाइज फॉर रिफॉर्म्स. तो पैंडेमिक के समय स्टेट्स को कहा गया कि ठीक है चलो आप ज्यादा पैसा ले सकते हो. लिमिट कितना था? 3% ऑफ GDP. बट सेंट्रल ने कहा कि स्टेट्स ठीक है यू कैन बोरो एक्स्ट्रा मनी. तो देखो क्या लिमिट कर दिया, 5% ऑफ GDP इन FY21, 4% इन FY22 एंड 3.5% इन FY23. तो नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज agreed that states should take more loan. If they can take more loan. But यहां पे देखो क्या कहा गया कि एक condition है, लेकिन कि अगर आप ज्यादा पैसा ले रहे हो, आपको ले रहा है 3% of GDP, आप ले रहे हो 5%, लेकिन आप जो 2% एक्स्ट्रा ले रहे हो उसको आप कहां पे खर्च करोगे उसके लिए कुछ conditions हैं. ये देखो कि additional borrowings तभी हो सकेंगे, जैसे FY 2021 में जब सेंटर ने कहा कि स्टेट्स 5% ऑफ GDP अपना लोन ले सकते हैं, लेकिन दैट इज सब्जेक्टेड ऑन अ कंडीशन दैट स्टेट विल इंप्लीमेंट सम रिफॉर्म्स लाइक वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म, दैट इज डिस्कॉम्स रिफॉर्म. सो ये सही बात है, आप पैसे लो लेकिन आप खर्च करो उसको सही जगह. ऐसा नहीं कि पैसा लेके अगेन सब्सिडी बांटना स्टार्ट कर दो. इस तरीके से सेंटर ने काफी स्मार्टली स्टेट्स को कन्विंस किया है और स्टेट्स को जो स्पेंडिंग है उसमें भी क्वालिटेटिव शिफ्ट लाया है. तो सेंटर ने पैंडेमिक के समय स्टेट को अलाउ किया कि आप ज्यादा पैसा ले बट उसको आप खर्च करें कुछ रिफॉर्म्स में. सिमिलरली एक और रिफॉर्म जो सेंटर ने लाया कि सेंटर ने स्टेट्स के लिए उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया. 3 साल से लगभग जब पैंडेमिक आया था तो सेंटर ने 10,000 करोड़ का लगभग स्टेट को लोन दिया इंटरेस्ट फ्री 0% इंटरेस्ट पे 50 साल के लिए. लेकिन वो 10,000 करोड़ को खर्च क्या करना है आपको? कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है, फिस्कल फेडरलिज्म है सेंट्रल स्टेट का, उसको सेंटर ने काफी रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया है इस पूरे पैंडेमिक के समय. इट हैज फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व द इश्यू ऑफ GST कॉम्पेंसेशन सेस. सेकेंड, इट हैज एंश्योर्ड कि जो स्टेट्स हैं वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करे but not on subsidies, but not on freebies, rather on capital infrastructure creation. Because it's very important, आपको पता है श्रीलंका की क्राइसिस का यही प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा सब्सिडीज पे खर्च कर दिए गए थे. एंड इससे क्या होता है, आपकी जो कर्ज है वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, आप चुकाने के हालत में नहीं रहते हो और आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है. इसीलिए गवर्नमेंट थ्रू आउट दिस पैंडेमिक हैज डन has taken many steps to ensure that the quality of spending है उसमें आपका reform लाया जा सके. Then let us understand the debt profile of the government. So debt profile of the government जो है कि government का क्या debt profile है ये देखते हैं यहाँ पे. तो आप देख रहे हो government का जो debt है ये percentage of union government debt to GDP ratio. तो आप देखो यहाँ पे FY4 में ये बहुत ज्यादा हुआ करता था, है ना? इसके बाद से it has started to decline. Why? Last class
2003 में क्या आया था, एफआरबीएम एक्ट, हमने बात किया था, जो वाजपेयी जी ने उस समय जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए थे, ठीक है, उस समय, राइट? तो उसकी वजह से हमारा जो डेब्ट है, ये एक होता है फिस्कल डेफिसिट, सो वो अलग चीज हो गया। यहां पर लोग बात करें डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, तो सरकार का टोटल जो डेब्ट है, फिस्कल डेफिसिट, बेसिकली एक साल में कितना हम लोग ले रहे हैं, तो वो 3.5% ऑफ जीडीपी होता है, 6.4% ऑफ जीडीपी होता है, तो एक साल में कितना ले रहे हैं। और जो ये वाला वैल्यू है, ये टोटल अभी तक कर्ज कितना है, टोटल जोड़ दो पूरा कर्ज, एक साल का नहीं, सरकार का टोटल कर्ज जोड़ दो, उसको डिवाइड करो जीडीपी से, सो ये देखो कितना रहा है, 59.2%। सो 59.2% ऑफ जीडीपी ये सरकार का टोटल अभी तक का डेब्ट है, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड दिस यूनियन गवर्नमेंट्स डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। तो पैंडेमिक के समय ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया था, 59.2 लगभग 60 के क्लोज हो गया था, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन, राइट? तो ये पहला हो गया। नाउ कम टू टोटल लाइबिलिटी, सरकार का टोटल लाइबिलिटी क्या है, इस तरीके के ग्राफ आपको हमेशा देखने को मिलेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि सरकार की टोटल लाइबिलिटी कितनी है। तो सरकार की लाइबिलिटी तीन चीजों की होती है, पहला एक तो सरकार जो पब्लिक डेब्ट, जो सरकार ने कर्ज ले रखा है उसको चुकाना है, तो वो लाइबिलिटी है। सेकेंड पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट में एग्जाम्पल मान लो जैसे हमारा पीपीएफ कटता है, तो पीपीएफ कट के कहां जाता है, गवर्नमेंट के किसी खाते में जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू गिव दैट मनी बैक टू अस, जब हम रिटायर करेंगे तो हमारा पेंशन के पास सरकार को देना है, तो ऑल दोस मनी विच आर डिपॉजिटेड बाय गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैज टू पे बैक द मनी टू द पीपल, तो उसको हम लोग कहां रखते हैं, पब्लिक अकाउंट में, दिस इज नोन एज पब्लिक अकाउंट। और जो पब्लिक डेब्ट है ये क्या होता है, जो हमने मार्केट से पैसा उठाया है, टोटल मनी विच वी हैव बोरोड, दिस इज नोन एज द बोरोड मनी, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ बोरोइंग मनी, ये आपने डिपॉजिट किया खुद से, आपको एक टाइम के बाद मिल जाएगा, सो यहां पे सिंपली इट्स पब्लिक अकाउंट। और थर्ड इज द एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट हूं, मुझे एक साल में खर्च करना है, तो खर्च करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो पीपल विल स्टार्ट टू बी स्केप्टिकल, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करेगा कि आप इतना फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ा दिए हो, तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्मार्टली क्या करती है, गवर्नमेंट लोन लेने देती है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि सुनो पीएससी तुम लोन ले लो मेरे बिहाफ पे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बीपीएससी को, बीपीएसएल को बोल देगी कि आप लोन ले लो, तो उसके अकाउंट में शो कर रहा है, हमारे अकाउंट में तो शो नहीं कर रहा है, बट किसके कहने पे वो लोन ले रहा है, हमारे कहने पे। सो दीज आर नोन एज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स विच आर नॉट अकाउंटेड इन बजट, और इसकी वजह से हमको एग्जैक्टली फिस्कल डेफिसिट पता भी नहीं चल पाता कितना है, बिकॉज गवर्नमेंट के लोन तो ले नहीं रही है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट पीएसयू लोन ले रहा है, वो उसके अकाउंट में आएगा, बट उसके लोन को चुकाएगा कौन, गवर्नमेंट ही चुकाएगी, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा बजट फ्री, मतलब ये बजट में मेंशन नहीं है, ये बजट के बाहर हो रहा है ये सब चीजें, एंड बाय दैट गवर्नमेंट हाइड्स द रियल फिस्कल डेफिसिट, सो दैट इज ऑल्सो द लाइबिलिटी। सो ये तीन लाइबिलिटी होता है, पब्लिक डेब्ट, इसमें इंटरनल डेब्ट हो गया जो हम लोग इंडिया डोमेस्टिक पैसा ले रहे हैं, और एक एक्सटर्नल डेब्ट हो गया जो हम लोग बाहर से पैसा ले रहे हैं, देन पब्लिक अकाउंट्स हो गया एंड देन एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स हो गया, तीनों को ऐड कर दो तो देखो हमारा लायबिलिटी क्या इंक्रीज कर रहा है दिन पर दिन। सोचो 65.27 लाख करोड़ था FY 16 में, आज वो डबल हो गया 134 लाख करोड़। यही प्रॉब्लम है, जब लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम आ सकता है, और देख लो आप लाइबिलिटी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ऑल दो कॉन्सोलिडेट करेगा फ्यूचर में ये लाइबिलिटी एज पर द गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा तो लोन कम होगा हमारा, थिंग्स लाइक दैट, बट अगर ये ब्रीच हुआ और ज्यादा तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो दीज आर द लाइबिलिटीज, पब्लिक डेब्ट, इसके अंदर इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल डेब्ट, देन पब्लिक अकाउंट एंड देन एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, ये पूरा 134 लाख करोड़ जो है ये पूरा भारत सरकार का लाइबिलिटी है, ये सरकार को कभी ना कभी चुकाना है किसी तरीके से, ठीक है। बट सर्वे कहता है ये जो पूरा डेब्ट प्रोफाइल है ना, ये जो पब्लिक डेब्ट है सरकार का, ये काफी ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है इससे, देखते हैं। तो वही कह रहा है यहां पे कि इंडियाज पब्लिक डेब्ट प्रोफाइल इज रिलेटिवली स्टेबल एंड इज कैरेक्टराइज बाय लो करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। जो इंडिया का डेब्ट है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है, देखो पहला एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो केवल 4.9%, हमारा एक्सटर्नल डेब्ट देखो कितना है, लगभग 6.59 लाख करोड़ है, बहुत कम है एज कंपेयर टू इंटरनल डेब्ट 115 लाख करोड़।
तो एक्सटर्नल डेट जो हमने बाहर से पैसा लिया है इट इज वेरी लेस, तो ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बाहर से पैसे लेने में प्रॉब्लम है कि करेंसी कल को डिप्रिशिएट करेगी, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो हमें उस लोन को चुकाने में ज्यादा मुश्किलें आएंगी। एंड इंडियन करेंसी इज वेरी वोलेटाइल, जनरली डिप्रिशिएट्स। तो अगर हमारा बाहर से बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे चाइना का क्या प्रॉब्लम, रशिया का क्या, सॉरी श्रीलंका का क्या प्रॉब्लम हुआ, यही प्रॉब्लम हुआ, एक्सटर्नल डेट उसका बहुत ज्यादा हो गया, और एक्सटर्नल डेट के लिए आपको डॉलर चाहिए, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। लेकिन यहां पर अगर आपका डोमेस्टिक लोन है तो ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इंडिया में क्या है कि ये चीज अच्छी बात है कि जो हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है वो केवल 4.9%, मतलब 5% ही है। तो टोटल डेप्ट अगर हमारा 100 रुपए है तो एक्सटर्नल डेप्ट केवल 5 रुपए है, तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। साथ ही साथ जो डेप्ट है बाहर से वो सॉवरेन है, मतलब हमने जनरली लोन कोई बैंक बैंक से नहीं लिया है बाहर से, हमने उस गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, सॉवरेन इन नेचर है वो, तो ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। साथ ही साथ जो फ्लोटिंग इंटरनल डेप्ट है, इंटरनल डेप्ट जो है हमारा है, जो फ्लोटिंग है वो काफी कम है, केवल 1.7% है। फ्लोटिंग का मतलब कि जिसकी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 साल के लोन लेता हूं तो क्या मैं एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लूंगा? नहीं, हो सकता है फ्यूचर में क्या हो पता नहीं मुझे, हो सकता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट घट जाए तो मुझे इंटरेस्ट कम देना पड़े। तो फ्लोटिंग रेट जो लोन्स होता है इसमें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स, ठीक है। तो फ्लोटिंग इंटरनल डेट जो है वो हमारा काफी कम है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है। तो इससे भी हमारा इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी काफी कम होता है हमारे चीजों में। साथ साथ जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है वो बढ़ रहा है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मतलब 2 साल का लोन, 3 साल का लोन, और लॉन्ग टर्म का मतलब 20-25 साल का लोन। सो इफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इज इंक्रीजिंग देन वी डोंट हैव अ रिस्क, एंड इफ द शॉर्ट टर्म इज इंक्रीजिंग तो वी हैव अ रिस्क, बिकॉज उसको मुझे जल्दी से जल्दी पे करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म 20 साल बाद पे करना है तो आई हैव एनफ टाइम टू गेट दैट रिसोर्सेज टू पे इट। तो इस तरीके से हमारा देखो यही चीज है, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी इन द पब्लिक डेब्ट, ये देख सकते हो हमारा 4.9% है एक्सटर्नल डेब्ट, और 95% है हमारा आपका इंटरनल लायबिलिटी, और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है वो भी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसके बाद यहां देखो आप हमारा जनरल गवर्नमेंट, ये टोटल सेंटर प्लस स्टेट दोनों का है ये, तो ये देखो 86.5% ऑफ जीडीपी है। तो सेंटर का कितना था, 60%, हमने लास्ट क्लास हमने अभी देखा कुछ देर पहले। तो टोटल सेंटर प्लस स्टेट इसका मिला के कितना टोटल डेप्ट है, 87% ऑफ जीडीपी, ये टोटल है। और 9.4 क्या है, टोटल फिस्कल डेफिसिट, और 4.2 क्या है, टोटल रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये पूरा सेंट्रल प्लस स्टेट सबका मिला के कॉन्सोलिडेटेड हमारा ये फाइनेंस का हालात है आपका। तो पैंडेमिक के समय देख रहे थे 75.7 से 89.6 पे गया, उसके बाद से ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो दैट इज इट। लास्ट में दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, जो सर्वे लास्ट में कंक्लूड में कहता है, ये लास्ट ईयर भी सर्वे में यही बात किया गया था कि फिस्कल डेफिसिट जो है दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स हाउ मच द गवर्नमेंट इज टेकिंग द लोन, मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर लोन या लाइबिलिटी कह लो, अगर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, अगर फिस्कल डेफिसिट 20% हो जाए, 15% हो जाए, तो इससे क्या होता है ना कि आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, साथ साथ उस कंट्री का जो क्रेडिट रेटिंग है वो घट जाता है, ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बिगड़ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी काफी ज्यादा इफेक्ट कर जाती है अगर फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ द थ्रेशोल्ड हो जाए। इसलिए फिस्कल डेफिसिट को कंसोलिडेट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसलिए गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए हमारा टारगेट है 4.5% ऑफ जीडीपी पे पहुंचना, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, व्हाट कैन वी डू टू मेक आवर डेप्ट सस्टेनेबल, ठीक है। व्हाट कैन वी डू टू मेक आवर डेप्ट सस्टेनेबल, हम अपने डेप्ट को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं। तो डेप्ट सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है इट इज कॉन्स्टेंट,
मतलब 2022 में जो डेप टू जीडीपी रेशियो था, 2023 में जो जीडीपी रेशियो है वो आपका लगभग सिमिलर होगा। इसको हम लोग कहते हैं डेप सस्टेनेबिलिटी। सो व्हेन इज माय डेप सस्टेनेबल? व्हेन माय डेप टू जीडीपी रेशियो इज कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। पहला, फर्स्ट, आप डेप को घटा दो। डेप टू जीडीपी रेशियो को अगर आपको सेम रखना है तो आप क्या कर सकते हो, डेप्ट को आप डिक्रीज करो। ठीक है, अगर आपका जीडीपी डिक्रीज कर रहा है तो आपको डेप्ट को भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपका जीडीपी ज्यादा था, सपोज आपका डेप्ट पहले था 10 और जीडीपी था 20, तो दैट इज कितना हो गया, ये 50% हो गया हमारा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मान लो हमारा डेप्ट, अब हमारा मान लो कि जीडीपी बिकॉज एक पैंडेमिक के समय घट गया तो 10 हो गया, तो अगेन डेप्ट डेप्ट सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हैज टू बी कांस्टेंट, तो 50% कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो अब ये कितना हो जाएगा, 5। तो इस केस में अगर मेरी जीडीपी घट रही है तो डेप्ट को भी घटाना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट तरीका, फर्स्ट वे हाउ वी कैन मेक आवर डेप्ट सस्टेनेबल। सेकेंड क्या होता है, आप जीडीपी को इंक्रीज करो। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारा डेप टू जीडीपी रेशियो था 10/20, अब हमने डेप ज्यादा ले लिया 20, लेकिन हमने डेप तो हमने डेप क्या किया, बढ़ाया, लेकिन हमने जीडीपी को क्या किया, 20 से कर दिया 60। तो यहां पे क्या है, डेप टू जीडीपी रेशियो 50%, और यहां पे कितना है डेप टू जीडीपी रेशियो आपका, देख लो कितना, 0.0 और 6, 33% लगभग। ठीक है, तो देख लो डेप टू जीडीपी रेशियो क्या घट गया हमारा, सस्टेनेबिलिटी आया, बट हमने डेप्ट और ज्यादा लिया, पहले 10 लाख करोड़ लिया था 20 लाख करोड़ ले रहे हैं, बट हमने जीडीपी को और तेज रेट से बढ़ाया, सो तब भी तुम्हारा डेप्ट सस्टेनेबल हो गया। सो देयर आर टू वेज टू मेक डेप्ट सस्टेनेबल, यू कैन आइदर रिड्यूस द डेप्ट इफ योर इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, और सेकंड यू कैन ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी, आपका जीडीपी पे फोकस करो, डेप्ट पे फोकस मत करो, आप पैसा लो और इंश्योर करो कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, बिकॉज अगर आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो अपने आप आपका डेप्ट टू जीडीपी रेशियो सस्टेनेबल हो जाएगा। सो सर्वे कहता है कि वी शुड फॉलो, सर्वे कहता है कि वी शुड फॉलो दिस पाथ, वी शुड फॉलो दिस अप्रोच। ठीक है, हमारा फोकस जीडीपी पे होना चाहिए, हमारा फोकस डेप्ट पे नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नॉट थिंक ऑफ डेप्ट कंसोलिडेशन, हमारा फोकस होना चाहिए ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यही हो सकता है कि आप ज्यादा पैसा लो, आप डेप्ट को इंक्रीज करो, लेकिन उस पैसे को आप क्वालिटेटिवली खर्च करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, अदर थिंग्स लाइक दैट। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी हैव टू मेक आवर डेप्ट सस्टेनेबल। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी का मतलब डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हैज टू बी कॉन्स्टेंट और इट हैज टू डिक्लाइन, इट डज नॉट हैज टू इंक्रीज। हाउ वी कैन डू दैट, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट डेप्ट। डेप्ट तो होगा, कर्ज लेंगे, कोई भी बिजनेस कर्ज पे ही चलती है और कर्ज पे ही वो बड़े बन जाती है। ठीक है, सो कर्ज इज नॉट अ प्रॉब्लम, लोन इज नॉट अ प्रॉब्लम, डेप्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वेर यू आर स्पेंडिंग दैट मनी आउट ऑफ द डेप्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए सर्वे कहता है कि आप डेप्ट लो, डोंट वरी अबाउट डेप्ट एंड अदर थिंग्स लाइक दैट, बट यू शुड फोकस ओनली ऑन द क्वालिटेटिव स्पेंडिंग, बिकॉज इफ यू स्पेंड क्वालिटेटिवली योर जीडीपी विल ग्रो एट अ मच मोर हायर रेट देन हाउ मच लोन यू आर गोइंग टू टेक। सो आप 10 लाख का लोन ले रहे हो पर आपकी जीडीपी 40% बढ़ गई है ना, दैट्स अ गुड थिंग। सो दैट्स व्हाट द सर्वे सेज कि डेप्ट टू सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा, जीडीपी पे। सो देखो यहां पे डेप्ट सस्टेनेबिलिटी मींस डेप्ट टू जीडीपी रेशियो रिमेन्स सेम और रिड्यूसेस। डेप्ट टू जीडीपी जो हमने देखा था 60% ऑफ डेप्ट, तो डेप्ट टू जीडीपी हमारा घटना चाहिए। फॉर दिस यू नीड पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जीडीपी का ग्रोथ रेट, जैसे इंडिया की जीडीपी कितनी हो गई, लगभग 8%, और हमारे इंडियन इकोनॉमी में लोन लेने का इंटरेस्ट रेट कितना है, 5%, तो दैट इज 3%। तो जब तक ये हमारा इंटरेस्ट रेट ग्रोथ, ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट को सब्सट्रैक्ट करके जो आएगा वैल्यू, सो जब तक हमारा इंटरेस्ट रेट ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पॉजिटिव है तब तक हमारा ठीक है। मतलब ग्रोथ कितना इंडिया का 8% और इंटरेस्ट रेट लगभग, आई एम टेकिंग जस्ट द एग्जांपल 5%, तो जब तक ये हमारा मान लो 5% है तो हमारा कितना हो गया ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल 3%। सो जब तक ये पॉजिटिव है तब तक इंडिया को फोकस करना, इंडिया के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसलिए इंडिया को फोकस क्या करना चाहिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बिकॉज जब तक हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है इट विल बी पॉजिटिव। और देखो पूरे हिस्ट्री में ये ग्रीन वाला क्या है, बेसिकली इट्स शोइंग पॉजिटिव। बस पैंडेमिक के समय ये थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था, बट इन जनरल इंडियाज ग्रोथ, क्योंकि इंडिया इज अ हाई ग्रोथ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज अ मेजर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमारा जो डिफरेंस है वो भी पॉजिटिव होता है। इसलिए हमें फोकस किस पे करना चाहिए, इस पे। सो ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी, वही जीडीपी आपको डेट सस्टेनेबल बनाएगा, ना कि डेट को सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए आप डेट को घटाओ। सो ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी बट नॉट वाइसा वर्सा, मतलब डेट सस्टेनेबिलिटी डज नॉट लीड टू ग्रोथ, मतलब यू शुड नॉट कट डाउन ग्रोथ। आप ऐसा नहीं कि पहले 10 दे रहे थे लोन तो अब आप 5 लोन लो, आप लोन ज्यादा लो बट आप अपने ग्रोथ को और तेज रेट से बढ़ाओ। Higher growth leads to debt to GDP ratio, but lower debt does not necessarily leads to higher. So our focus should not on the reduction of the debt. Our focus should be on the growth. Thus, focus should be on the GDP growth rate. As India's economic recovery advances, fiscal consolidation will happen. So that's what जो हमने बात किया अभी. So basically ये कह रहा है कि debt to sustainability को रखने के लिए हमें debt पे focus नहीं करना चाहिए. We should take debt. ठीक है, बट वी शुड इंश्योर दैट वी आर स्पेंडिंग द डेट इन अ क्वालिटेटिव मैनर, बिकॉज उससे हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा पड़ेगा, और डेट टू जीडीपी रेशियो में अगर जीडीपी जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करता है तो अपने आप आपका डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन करेगा। सो डेट शुड ऑल्सो इंक्रीज बट जीडीपी शुड इंक्रीज एट अ मच मोर हायर रेट। तो अगर डेट 2x से ग्रो कर रहा है तो जीडीपी को 4x से ग्रो करो। सो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा रेट से ग्रो करेगा तो आपका अपने आप ये डेट सस्टेनेबल हो जाएगा। सो इस तरीके से सर्वे लास्ट ईयर भी इसी चीज को बात किया था और इस साल को भी इसी चीज को बात किया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड थर्ड चैप्टर जहां पे हमने फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस किया। तो 5-6 समरी पॉइंट्स है इसमें। पहला कि इंडिया का जो फिस्कल इंडिया ने कौन सा फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट किया था, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज पूरे पैंडेमिक के समय, और सरकार ने ज्यादा पैसे खर्च किए थे उसकी वजह से हमारे फिस्कल डेफिसिट पुश हुई थी। बट आज हमारा फिस्कल डेफिसिट इज कंसोलिडेटिंग एंड वी आर ऑन द ट्रैक टू अचीव इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है दैट इज 6.4% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर सरकार ज्यादा पैसे खर्च करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सरकार ज्यादा पैसे खर्च करेगी तो कैसे पैसे खर्च करेगी, लोन लेगी। अगर सरकार सारा पैसा लोन ले लेगी तो प्राइवेट लोन क्या लेगा, तो अगर प्राइवेट पीपल को लोन नहीं मिलेगा तो वो खर्च नहीं करेंगे। क्रेडिट रेटिंग जो इंटरनेशनल एजेंसीज गवर्नमेंट का करती है वो डाउनग्रेड कर देगी एंड अदर थिंग्स आल्सो हैपन। इसलिए फिस्कल डेफिसिट हैज टू बी विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट। इसीलिए सर्वे कहता है कि नाउ वी आर मूविंग ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। और साथ ही साथ हमारा जो टैक्स बायंसी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज किया, हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, हमारा जीएसटी कलेक्शन, उसकी वजह से सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा तो सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी आपकी डिक्लाइन करेगी। उसके बाद सर्वे ने कहता है कि जो सरकार ने इस पूरे पॉलिसी पूरे पैंडेमिक के समय जो सरकार ने पैसे खर्च किए हैं, गवर्नमेंट हैज फोकस्ड मोर ऑन द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड इट हैज ऑल्सो नज द स्टेट्स टू फोकस ऑन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट इज व्हाई द ग्रोथ विल शो इट्स आउटकम इन द कमिंग ईयर्स। एंड फाइनली द सर्वे कंक्लूड्स एंड सेज दैट that in India, our focus should be on the growth. Our focus should not be on the debt because debt sustainability does not lead to growth, but growth will lead to debt sustainability. Okay, so our focus should be on the growth and as India is the fastest growing major economy, India should not worry much about debt. India should only focus about the debt. So that is all about chapter 3. हम लोग अपने अगले chapter में monetary policy पढ़ेंगे, जो कि एक again बड़ा chapter है, जिसमें RBI ने किस तरीके से इस पूरे pandemic के समय अपने policies को adopt किए, कितने तरीके के monetary policy होते हैं and other things, वो सारे चीज discuss हम लोग अगले class में करेंगे। I hope that everyone and especially those people who are preparing for this exam have liked this chapter third on the economic survey. Aap isi channel pe bane rahe. The next chapter discussion will be coming soon, and if you like this video please like and subscribe to our channel. Thank you and best wishes. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.